नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज चैनल के साथ में हुआ सर। तो फिर से मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर बिल्कुल। और मैं आपको बता दूँ कि जो वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ, ये जो हॉस्पिटल बना है, मतलब ये कौन बनवाए थे? भानु प्रताप शाही विधायक के द्वारा यह शिलान्यास किया गया था। उन्हीं का देन है कि ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। लगभग कुछ ही दिनों के अंदर इसका उद्घाटन होगा और बिशुनपुरा की जनता जो गढ़वा, मेराल, नगर उटारी, मझियाँ, जो बिशुनपुरा से लगभग 15 से 30 किलोमीटर के दायरा का सफ़र करती थी बीमारी होने के बाद, अब उनको बिशुनपुरा में ही इलाज होगा। जब भानु प्रताप शाही यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का, जो जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा किया है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोग दूसरे जगह के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि भले धोखा देते होंगे, लेकिन बिशुनपुरा में जो वादा किए थे, उन्होंने पहले बार जब जीता था तो वादा किया था कि मैं बिशुनपुरा को प्रखंड बनवाऊँगा, थाना दूँगा, यहाँ हॉस्पिटल दूंगा, रोड दूंगा, और बिजली क्रॉसिंग का भी मामला आया था। और जो जो उन्होंने वादा किया वो एकदम 100% पूरा हुआ है। तो मैं नहीं जानता कि जो विधायक या मंत्री वादा करते हैं वो नहीं करते हैं। यहाँ बिशुनपुरा की जनता के लिए तो भानु प्रताप शाही वरदान साबित हुए हैं। शाही बिशुनपुरा के लिए या भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित है। आज तक जब बिशुनपुरा में पैर रखे थे वो, उसी दिन हम लोग के प्रस्तावित प्रखंड के रूप में प्रस्ताव रखे थे कि बिशुनपुरा को मैं प्रखंड बनवाऊंगा। बिशुनपुरा को प्रखंड बनवा दिए, प्रखंड भवन भी बन गया, थाना भवन भी बन गया, यहाँ तक हॉस्पिटल हमारे यहाँ नहीं था, बहुत लोगों को परेशानी होता था। हॉस्पिटल के लिए 2007 में एक शिलान्यास किए थे और 2007 में शिलान्यास करने के बाद वो हार जाते हैं। हारने के बाद जो वर्तमान विधायक हुआ उसमें एक ईंटा भी नहीं रखा। कौन, मतलब वर्तमान मतलब कौन विधायक? वो अनंत प्रताप देव जब विधायक बने थे तो मैंने वो हॉस्पिटल को मैंने लाइफ खराब हो गया। इसके बाद जब वो हार गए तो फिर पुनः आए भानु प्रताप शाही और वादा किए थे कि बिशुनपुरा में हम हॉस्पिटल बना रहे थे, नहीं बनने पाए, लेकिन फिर पुनः हम हॉस्पिटल बनवाएंगे और बनवा करके दिखा दिए। यहाँ तक कि बिशुनपुरा प्रखंड के जनता को इतना मान सम्मान दिए हैं वो, इतना मान सम्मान दिए हैं कि आज तक कोई विधायक नहीं करने पाया है। यहाँ देखिए कस्तूरबा विद्यालय, नहर का पक्कीकरण, हॉस्पिटल, प्रखंड, पुल, आपका जो बांके नदी में पुल देख रहे हैं उन्हीं का देन है, सड़क बिशुनपुरा से रमुना नगर, मैंने जो भी मैंने वादा किए हैं उसमें खरा उतरे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, सम्मान देता हूं कि ऐसा विधायक हम लोग के चाहिए। कि जो भी आप बिशुनपुरा प्रखंड के जो भी यहां पे गरीब मजदूरों को बिल्कुल वो खुशी मतलब मिलने वाली नहीं, बिल्कुल मिल चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द इसका जून तक हमारे विधायक भानु प्रताप शाही जी के द्वारा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। और आप इसमें इतने कैमरे मतलब बने हुए हैं, जैसे अभी हमारे कृष्णा विश्वकर्मा जी ने बताया कि तकरीबन 40 से ज़्यादा बना हुआ है। आप यहाँ पे इधर भी आप देख सकते हैं रूम, आप ये खिड़की के माध्यम से देख सकते हैं बाहर का कितना खूबसूरत वो नज़ारा। तो सर आप जैसे मान लीजिए मतलब जून तक मतलब इस उद्घाटन हो जाएगा, यही बताया ना? संभावना है जून तक उद्घाटन हो जाएगा, इसके बाद हम लोगों को यहीं इलाज होने लगेगा। तो मतलब अभी इसमें कितना मतलब काम होने में अभी लेट है, कितना तक मतलब कहां तक पहुंचा है अभी? काम मात्र बचा हुआ है, बल्ब बल्ब फिट करना है और वायरिंग हो चुका है, थोड़ा बहुत काम है टूट फूट वही बचा हुआ है, स्टाफ क्वार्टर थोड़ा फिनिश होने के लिए बचा है, बाकी सारा काम लगभग तैयार हो गया। पेंट पोचर आप देख ही रहे हैं, यहाँ अब तैयारी में बहुत कम दिन लगेंगे। बस हम लोगों का इंतज़ार है कि संवेदक द्वारा ये हैंड ओवर हो और हम लोग इसका उद्घाटन कराकर यहाँ इलाज शुरू करवा दें। तो विधायक जी का जो मतलब ये दिया हुआ कहना चाहेंगे इसमें
बहुत अच्छा की बात है कि हॉस्पिटल जब दिए हैं तो हम लोग के पब्लिक जनता सेवा के लिए अच्छा ही दिए हैं, हम तो अच्छा ही कहेंगे। आपका नाम? चंदन कुमार चंद्रवंशी जी। आप देख रहे थे ग्रीन लाइन न्यूज़ के साथ, मैं हूँ सर, धन्यवाद।